हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। माय सेल्फ डॉक्टर डी के सिन्हा विथ न्यू टॉपिक एंड टुडे टॉपिक इज प्रोटोजोन्स। पिछले वीडियो में हम लोग प्रोटिस्टा का चार पार्ट्स डायनोफ्लैजिलेट, क्राइसोफाइट, यूग्लेनोइड और स्लाइम मोल्ड्स के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग उसी का अगला ग्रुप प्रोटोजोआ के बारे में जानेंगे। प्रोटोजोन कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स, प्रोटो एंड जोन्स। प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव एंड जोन मीन्स एनिमल्स। इट मीन्स प्रोटोजोन वाज द फर्स्ट एनिमल डेवलप्स ऑन अर्थ। पहले साइंटिस्ट के द्वारा प्रोटोजोआ को किंगडम एनिमलिया के साथ रखा गया था, लेकिन यूकैरियोटिक नेचर, यूनिसेलुलर नेचर के कारण बाद में इसे किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। प्रोटोजोन्स आर कॉस्मोपॉलिटन मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर इन एक्वेटिक हैबिटेट मीन्स मेराइन एंड फ्रेश वाटर बोथ एंड इन मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। Body is unicellular, consists of one cell, covered by plasma membrane. Some protozoans cell are also covered by non-cellulosic pellicles. Unicellular यूकैरियोटिक सेल इज नैक्ड और कवर्ड बाय नॉन सेलुलोजिक पेलिकल। It is present in different forms, oval, round, spindle-shaped, slipper-like, it is okay. Found in different forms, such as oval, round, irregular, slipper-like, etc. It is found in different forms. In protozoans, heterotrophic nutrition occurs. It is non photosynthetic organism. Non photosynthetic and shows heterotrophic nutrition.
हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ओके, एंड यू नो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज ऑफ थ्री टाइप्स, सैप्रोफिटिक, होलोजोइक एंड पैरासाइटिक इन प्रोटोजोन्स, होलोजोइक एंड पारासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस। न्यूट्रिशन कैसा होगा? होलोजोइक एंड पारासिटिक। प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म्स पारासिटिक फॉर्म्स और कोमेंसल फॉर्म्स। कोमेंसल और सिम्बायोंट फॉर्म। सिम्बायोंट फॉर्म सिम्बायोसिस रिलेशन इन विच both are benefited to each other and commensal form one is benefited other is unaffected. So it is found in different forms parasitic forms, so is parasitic nutrition, and also causes different types of diseases in humans. अगर हम रिस्पायरेशन की बात करें रिस्पायरेशन थ्रू बॉडी सरफेस मींस एरोबिक रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस, ठीक। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल बोथ, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल बोथ, एसेक्सुअल बाई बाइनरी फ्यूजन, एसेक्सुअल बाई बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन। While sexual by conjugation or by gamete formation, conjugation इसके पहले बताया जा चुका है। In conjugation process, two livings come in contact to each other and form a tube that is called conjugating tube, and with the help of conjugating tube transfer of material from one living to another takes place, okay. And gamete formation, it is the common method of sexual reproduction in mostly developed livings, plants and animals. Sexual reproduction occurs by formation of gametes. So sexual by both conjugation or gamete formation. Holozoans in which holozoic nutrition occurs, that is called holozoans. Holozoans takes food and digest them inside the cell in food vacuole. सेल के अंदर फूड वैक्यूल होता है और उसी फूड वैक्यूल में फूड का डाइजेशन होगा
it means intracellular digestion. Inside the cell, types of digestion is intracellular digestion. दो टर्म है, वन इज इंट्रासेलुलर एंड अदर इज इंटरसेलुलर. दोनों में बहुत डिफरेंस है. इंट्रासेलुलर एंड इंटरसेलुलर. इंट्रासेलुलर मीन्स इनसाइड द सेल, इंटरसेलुलर मीन्स दो सेल के बीच में. तो दो सेल के बीच में मतलब सेल के बाहर. इन ह्यूमन बॉडी इंटरसेलुलर डाइजेशन टेक्स प्लेस. Outside the cell, inside the body, in elementary canal, but outside the cell, digestion occurs in human body. So in our body, intercellular digestion takes place. In unicellular organism, digestion of food occurs inside the cell, that is called intracellular digestion. Okay? Cell of protozoans are eukaryotes, and you know, in eukaryotes, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. सो नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन सेल, नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज वन टू और मेनी. इन सम लिविंग्स डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस प्रेजेंट, डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस. डाई मीन्स टू, मॉर्फ मीन्स फॉर्म, अ स्ट्रक्चर. इट मीन्स द स्ट्रक्चर ऑफ बोथ न्यूक्लियस आर डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस. एग्जाम्पल पारामीशियम. ओके, फूड का डाइजेशन में बताया कि फूड का डाइजेशन कहां होता है, तो सेल के अंदर होता है. डाइजेशन के बाद जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, मींस वेस्ट मटेरियल है, दैट इज एक्सपेल्ड आउट एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस. एक्सोसाइटोसिस मीन्स रिमूवल आउट ऑफ मैटेरियल फ्रॉम द सेल. अगर सेल से मैटेरियल को बाहर निकाला जाएगा तब उसको कहेंगे हम एक्सोसाइटोसिस. अगर कोई मैटेरियल बाहर से अंदर सेल में आता है उसको कहेंगे इंडोसाइटोसिस. ठीक है ना. अगर हम फूड के इंग्रेडिएंट की बात करें प्रोटोजोन्स में, तो बहुत सारे मेथड्स है. उसमें आता है इंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस. दे आर डिफरेंट मेथड्स थ्रू विच प्रोटोजोन्स टेक्स फूड. ओके, दीज आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्रोटोजोन्स. नाउ बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोन्स. क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोन्स क्लासिफिकेशन on the basis of locomotory structure, protozoans are classified into four groups on the basis of locomotory structure. बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर प्रोटोजोन्स आर क्लासिफाइड इंटू फोर ग्रुप्स. फर्स्ट मास्टिगोफोरा, ऑल्सो कॉल्ड फ्लैजिलाटा. सेकेंड
सार्पोडीना सिलिएटा स्पोरोजोआ. दीज आर द फोर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर. नाम से जैसा कि पता चल रहा है मास्टिगोफोरा ऑल्सो कॉल्ड फ्लैजिलाटा. इट मीन्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इज फ्लैजिला. सार्कोडीना लोकोमोशन बाई सुडोपोडिया. लोकोमोशन बाई सुडोपोडिया इन फ्लैजिलेटा बाई फ्लैजिला सिलिएटा बाई सिलिया एंड इन स्पोरोजोआ. No any locomotory structure is present. No locomotory structure. So these are the different groups of protozoa on the basis of locomotory structure. So first group of मास्टिगोफोरा और फ्लैजिलाटा. फर्स्ट इज मास्टिगोफोरा और फ्लैजिलाटा. लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इज फ्लैजिला. लोकोमोशन बाई फ्लैजिला फ्री लिविंग एक्वेटिक और पारासाइटिक बॉडीज कवर्ड बाय पेलिकल. बॉडीज कवर्ड बाय पेलिकल. लोकोमोटरी स्ट्रक्चर फ्लैजिला मे बी वन और मोर. एज फॉर एग्जाम्पल वन फ्लैजिला इन मास्टिगमेबा. मास्टिगमेबा ट्रीपैनोसोमा ट्रीपैनोसोमा ट्राइकोमोनास इन दिस टू मास्टिगमीबा एंड ट्रीपैनोसोमा. वन फ्लैजिला इज प्रेजेंट. फोर टू सिक्स फ्लैजिला ट्राइकोमोनास ट्राइकोमोनास मेनी फ्लैजिला इन गियार्डिया. सो नंबर ऑफ फ्लैजिला a different in different flagellates. Sexual reproduction absent in flagellata. Sexual reproduction not observed and asexual reproduction. Asexual reproduction occurs by fission. Sexual reproduction absent. Sexual reproduction
not found, not observed in flagellata. There are several examples of flagellata that causes different diseases, as for example Leishmania donovani, cows, kalazar in human, जिसको कि साधारण बोलचाल में काला ज्वर, काला बुखार कहा जाता है. एंड वेक्टर ऑफ लिस्मानिया डोनोवन इज सैंड फ्लाई. वेक्टर मीन्स ऐसे. वेक्टर का सिंपल अगर हम डिफिनेशन देखें तो कह सकते हैं लिविंग्स डेट ट्रांसमिट डिजीज, डेट ट्रांसफर डिजीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम हेल्दी पर्सन टू सिक पर्सन. सिंपल बट इट इज नॉट सटीक. इतना कहना सही नहीं होगा. अगर कोई इन्फेक्टेड ह्यूमन है और वह ह्यूमन एक एरिया से दूसरे एरिया में जाता है, उस ह्यूमन के कॉन्टेक्ट में जो अगर कोई दूसरा पर्सन आता है उसे भी वह डिजीज होगा. इसका मतलब है कि ह्यूमन भी तो डिजीज को ट्रांसमिट कर रहा है, एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में फैला रहा है. तो क्या ह्यूमन को हम वेक्टर कहेंगे? नहीं कहेंगे. ह्यूमन वेक्टर नहीं है. वेक्टर का मतलब है लिविंग्स डेट ट्रांसमिट डिजीज फ्रॉम हेल्दी पर्सन टू सिक पर्सन. डेट ट्रांसमिट डिजीज फ्रॉम हेल्दी पर्सन टू सिक पर्सन विदाउट इफेक्टिंग फ्रॉम डिजीज. जो डिजीज को फैलाता है लेकिन डिजीज से इफेक्टेड नहीं होता है, वैसे ही ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे वेक्टर. ह्यूमन डिजीज को फैलाता है लेकिन ह्यूमन वेक्टर नहीं है. ओके, सो लिस्मानिया डोनोवनी काउस कालाजार एंड वेक्टर ऑफ लिस्मानिया डोनोवनी सैंड फ्लाई. सेकेंड एग्जाम्पल ट्रीपैनोसोमा गैम्बियंस. ट्रीपैनोसोमा गैम्बियंस काउस स्लीपिंग सिकनेस. काउस स्लीपिंग सिकनेस ऑल्सो कॉल्ड अफ्रीकन ट्रीपैनोसोमियासिस एंड द वेक्टर ऑफ ट्रीपैनोसोमा गैम्बियंसिस वेक्टर सीसी फ्लाई. दिखाता है टीएसी टस्टस फ्लाई नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे सीसी फ्लाई. ओके, नेक्स्ट ट्राइकोमोनास. नेक्स्ट एग्जांपल ट्राइकोमोनास वैजिनलिस काउस ल्यूकोरिया डिजीज. काउस ल्यूकोरिया डिजीज इन फीमेल. ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्लैजिलेटा. नेक्स्ट ग्रुप ऑफ प्रोटोजोनिस सार्कोडीना
इन विच नो एनी लोकोमोटरी ऑर्गेनिज्म सार्कोडिना लोकोमोशन बाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुडोपोडिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुडोपोडिया फ्री लिविंग मीन्स एक्वेटिक और पारासाइट बॉडी नेक्ड और कवर्ड बाई सेल नेक्ड बॉडी मीन्स नो एनी एक्स्ट्रा कवर प्रेजेंट अराउंड द सेल सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन होगा लेकिन उस सेल मेम्ब्रेन के बाहर कोई स्ट्रक्चर नहीं है दैट इज कॉल्ड नेक्ड ओके नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फ्यूजन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट और मे बी इन सम फॉर्म्स बाय सिंगेमी फ्यूजन फर्टिलाइजेशन बाय सिंगेमी नेक्स्ट In some forms, internal or external skeleton is present. Such as radiolarian and foraminiferan. Radiolarian and foraminiferan in these ligands external or internal A skeleton is present that consists of calcium carbonate. Consists of calcium carbonate. चलिए देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ सार्कोडिना अमीबा एंट अमीबा एंटमीबा पारासिटिक फ्री लिविंग एंटमीबा काउस अमीबिएसिस और साधारण बोलचाल में इसको अमीबिक डिसेंट्री ऑफ पेजेस कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड अमीबिक डिसेंट्री ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल एंट अमीबा गिंगिवैलिस
in the varis, also parasite, cows, pyria disease in human, and Escherichia coli, simply E. coli, live in human intestine. In symbiotic form or in commensal form. So this is the second group, and next group of protozoa is Sarcodina mastigophora. Next is Ciliata. Next group Ciliata, free living locomotion by cilia, locomotion by cilia, two nucleus, one large, other small. Large nucleus is somatic nucleus, a small nucleus is reproductive or generative nucleus. Somatic nucleus means that helps in growth and different somatic function, and a small is called generative or reproductive, that responsible for reproduction. Example paramecium. Example paramecium, also called sleeper animal cube. A structure of paramecium is this like पूरे बॉडी पर बहुत सारे सिलिया होते हैं. And inside the cell, two nucleus, one large and other a small nucleus is present. That is called sleeper animal cell. Next example is Verticella. Verticella, also called bell animal cell, bell like structure. Okay, so these are the example of Ciliata, and last one is Sporozoa. Last group is Sporozoa. All are parasitic form or endoparasite. Parasite inside the body is called endoparasite. और जब parasite होगा तो parasite body में protect करने के लिए कुछ ना कुछ इसका structure होता है, और वह structure है thick pellicle for protection in host body. यह host body के अंदर है, host body के अंदर है, तो host body का जो भी defense mechanism होगा उस defense mechanism से इसमें भी कुछ ना कुछ बचने का methods होगा, और वह है thick pellicle. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय गैमेट फॉर्मेशन.
एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम सिंपली मलेरिया पारासाइट डिफरेंट स्पेसीज ऑफ प्लाज्मोडियम सच एज प्लाज्मोडियम वाइवैक्स प्लाज्मोडियम ओवेल प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम डेट कॉजेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया डिजीज बिनाइन मलेरिया क्वारंटीन मलेरिया मैलिग्नेंट मलेरिया ठीक है ना. तो मलेरिया का अलग अलग टाइप्स होता है प्लाज्मोडियम के कारण होता है एंड प्लाज्मोडियम इज डाइजेनेटिक पैथोजेनिक पारासाइट डाइजेनेटिक पैथोजेनिक पारासाइट डाइजेनेटिक मीन्स कंप्लीट्स लाइफ साइकिल इन टू होस्ट और मलेरिया पारासाइट का दो होस्ट ह्यूमन मैन एंड फीमेल एनोफिलीस मस्क्यूटो इट्स कंप्लीट्स लाइफ साइकिल इन टू फेज सॉरी टू होस्ट मैन एंड फीमेल एनोफिलीस मस्क्यूटो सो इट इज कॉल्ड डाइजेनेटिक पारासाइट. पैथोजेनिक पारासाइट मीन्स पारासाइट दैट कॉज डिजीज और डिजीज कॉजिंग पारासाइट्स आर कॉल्ड पैथोजेनिक पारासाइट. ठीक है तो ये हो गया प्लाज्मोडियम एंड द वेक्टर ऑफ प्लाज्मोडियम फीमेल एनोफिलीस मस्क्यूटो और मैं बताया भी कि वेक्टर का मतलब होता है जो डिजीज को ट्रांसफर करता है लेकिन खुद डिजीज से इफेक्टेड नहीं होता है. मलेरिया का ट्रांसमिशन फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो से होता है. ऐसा नहीं है कि फीमेल को भी मलेरिया डिजीज होता है, डिजीज नहीं होता है लेकिन वह एक पर्सन से दूसरे पर्सन मलेरिया को पहुंचाता है इसलिए उसको हम कहते हैं वेक्टर ऑफ मलेरिया डिजीज. नेक्स्ट एग्जाम्पल मोनोसिस्टिस लिव इन सेमाइनल वेसिकल ऑफ अर्थवॉर्म के सेमाइनल वेसिकल में रहने वाला पारासाइट है मोनोसिस्टिस. नेक्स्ट नोसेमा लिव इन सिल्कवॉर्म के बॉडी में रहता है और एक डिजीज काउज करता है डेट इज कॉल्ड पेवराइन डिजीज तो हम लोग आज चार तरह का प्रोटोजोआ मास्टिगोफोरा फ्लैजिलेटा सार्कोडिना और स्पोरोजोआ के बारे में देखा. बाकी हम लोग अगले क्लास में ओके.